बलेश्वर भुइया का हत्यारा गिरफ्तार। एसपी राकेश रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। राजपुर थाना क्षेत्र का मामला। चतरा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में वाहन बलेश्वर भुइया हत्याकांड को पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी एसपी राकेश रंजन ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि एसडीपी अविनाश कुमार के नेतृत्व में राजपुर थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने यह कांड का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि अंधिक विश्वास में गांव के ही राजू भुइया ने रामफल भुइया और पाचन भुइया के साथ मिलकर बलेश्वर को गोली मारकर हत्या की थी। एसपी ने बताया कि बलेश्वर भुइया जो गांव में पहान का काम करता था, अपने गांव के ही राजू भुइया को बोला था कि तुम्हारे घर जल्द ही एक व्यक्ति की मृत्यु होगी। इसी बीच राजू भुइया की सास की मौत 15 दिन के अंदर हो गई। इसी आवेश में आकर राजू ने घटना का अंजाम दिया। टीम में एसडीपीओ अविनाश कुमार के अलावा राजपुर थाना प्रभारी विकास पासवान, पुलिस अवर निरीक्षक दीप नारायण सिंह, सहायक अवर निरीक्षक राजेश कुमार शर्मा, वीरेंद्र ठाकुर सहित 60 के जवान शामिल थे। आइए इस मामले को लेकर एसपी राकेश रंजन ने क्या कहा, सुनते हैं। दिनांक 16 तारीख को पुलिस को ये सूचना मिली थी कि राजपुर थाना में बालेश्वर भुइया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाद में उसकी पत्नी के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कांड भी दर्ज कराया गया था। हालांकि पुलिस ने एसडीपीओ चतरा अविनाश कुमार के नेतृत्व में एक टीम हम लोगों ने गठित की थी। पुलिस ने उस इस केस से रिलेटेड सभी बिंदुओं पर सूचनापूर्वक अनुसंधान प्रारंभ किया। जब हमने अनुसंधान किया तो ये पाया गया कि इसमें जो है सो अन्य 3 व्यक्ति जो हैं वो शामिल हैं, और अनुसंधान के उपरांत जो है राजू भुइया, रामफल भुइया और पचन भुइया इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त 2 देसी बंदूक थी, उन दोनों देसी बंदूकों को भी जो है रिकवर किया गया है, सीज किया गया है। मृत्यु का कारण वस्तुतः ये जो बालेश्वर भुइया था ये बेसिकली पाहन का काम करता था, और इसके द्वारा संभवतः राजू भुइया को ये बोला गया था कि तुम्हारे घर में जल्दी ही एक व्यक्ति की मृत्यु होगी, और कुछ ही दिनों के अंदर उसके सास की मृत्यु हो गई थी। उसने कहीं ना कहीं ये सोचा कि बालेश्वर भुइया इस मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, और उसके बाद उसने आवेश में आकर अपने 2 अन्य मित्रों के साथ ये कॉन्स्पिरेसी रची और गोली मारकर बालेश्वर भुइया की हत्या कर दी। तो आज कांड का उद्भेदन कर लिया गया है, घटना पर हथियार को भी बरामद कर लिया गया। पहले से भी कोई कांड किया नहीं, इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं है, वैसे हम लोग पता कर रहे हैं। पैसा का लेन देन वाली बात पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इसने जो मित्रों को जो यूज किया था तो उसके लिए कुछ पैसे देने की बात सामने आई है, उन बिंदुओं पर अनुसंधान किया जाएगा। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। सब बोलना जरूर।